हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सबके घर में कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज करवा चौथ का व्रत है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो 4 बज रहे हैं और मैंने नहा धो लिया है। हेयर वॉश भी मैंने किया है, क्योंकि आज सुबह जो मॉर्निंग में पूजा की जाती है व्रत रखने से पहले, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं नहा के निकली हूँ और पूजा करना है, और सरगी भी खुद से बनानी है, और सरगी बनाने के बाद खाना भी है। तो बस अभी मैं वही रेडी हो रही हूँ नहाने के बाद। और ये नारियल है, हस्बैंड इसको तोड़कर फिर मुझे दिए हैं। मैं अभी सरगी का प्लेट प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मार्केट की हैं तो उनको फिर मैं प्लेट में लगा रही हूँ। और इस समय मैं होटल में रुकी हुई हूँ, तो मैंने यहाँ के स्टाफ को बोल के सरगी बनवा ली थी, क्योंकि घर रहता है तो घर पर तो खुद से बना लेते, लेकिन अभी यहाँ हैं तो फिर बोले थे स्टाफ को, तो वो बना के दे दिए थे। पराठा और सब्जी बनवाया था, तो वही मैं प्लेट में लगा रही हूँ। और अगर घर से बाहर हैं और कोई फेस्टिवल इस टाइप का अगर पड़ता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है मनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। अगर दिल से करना चाहता है इंसान तो जैसे भी रहे, जिस भी सिचुएशन में रहे तो करता है। और मैंने रात में ही दूध मंगा के रख लिया था यहाँ के स्टाफ को बोल के, और फेनियाँ ले आई थी मार्केट से, तो मैंने फेनी केटल में ही बना लिया है। हमारे यहाँ करवा चौथ के फास्ट में फेनी खाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फेनी से ही व्रत की शुरुआत होती है। बाकी तो अपने अपने जगह का रूल होता है हर किसी का। तो यही मेरी प्लेट तैयार हो गई है सरगी वाली। और ये सब सामान है जो कि मैं फास्ट के लिए लेके आई थी कल मार्केट से। हमारे यहाँ पे नारियल से स्टार्ट करते हैं। शुरू में जब भी आप फास्ट रखते हो तो थोड़ा सा नारियल खाया जाता है, उसके बाद जो भी ये चीज़ें हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है। और खाने के बाद एक बार बोलते हैं कि जितना खाना है खा लो, उसके बाद 5 बजे तक ब्रश कर लेना होता है, फिर सारे दिन कुछ नहीं खाना होता है। तो बस वही, लेकिन सुबह के टाइम खाया तो जाता नहीं है, तो जो भी जितना भी खाना है मतलब खा लो। जैसे मेरे पीछे लगी रहती है लड़की, ड्राई हो गया सा फेस इसका। तब तक अर्श भी जग गई थी, तो बस अब उसको देख रही हूँ मैं। उसको आदत है, जब जैसे ही उठती हूँ मैं तो वो मेरे पीछे पीछे जग जाती है, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे जब भी। अभी इनको सुलाने में टाइम लगेगा, देखते हैं सोती भी है कि नहीं सोती है। तुम ले लो ब्रश। ब्रश तो मैं लेके आई थी। नहीं, ये भी ले लो ना, रख लो, मतलब अपने बैग में रखना है। और आज तो अर्श सोने भी नहीं दी, क्योंकि वो सुबह ही मेरे साथ जग गई थी, तब से वो खेल रही थी, तो मुझे तो नींद आ रही थी लेकिन वो सोने नहीं दी, क्योंकि फिर उसको देखना होता है इधर उधर उछल कूद करती है। तो सोची क्यों नहीं कि कुछ कर लेते हैं, तो फिर वही उसको सुलाए हैं थोड़ा टाइम के लिए। और सारे सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो मैं उसको सब सही कर रही हूँ, जो चीज़ें जहाँ की हैं उसको रख देती हूँ साफ़ सुथरा करके।
और ये वाला जो बैग है ना, मैं इसको सुखाने के लिए डाली हुई थी, क्योंकि इसमें अर्श क्या है अपना सीपर खोल के रख दी थी, तो सारा बैग गीला हो गया था, तो उसमें मैं इसका एक कपड़ा भी रख के छोड़ दी थी, मेरे को ध्यान नहीं था, तो अभी मैं उसके सारे कपड़े इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि धुलने हैं। अगर आप कहीं जाते हो तो बच्चों को जितना भी कपड़ा लेके जाओ कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठा करके रखने से अच्छा है कि जितना 4-6 निकल जा रहा है उसको धोते जाओ। यहाँ पे ऊपर छत है तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस खुली हुई है, वहीं पे कपड़े टांग देते हैं, तो मैं बस वही सब निकाल रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा, एक तो फास्ट है, ऊपर से आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन से बस इधर उधर घूम रहे हैं जिस काम से आए हैं उसके लिए, तो बस सोच रही हूँ कि आज इसके कपड़े भी धुल दूँ और इसको नहलाना भी है, तो बस जल्दी जल्दी कपड़े धुलूँगी, फिर इसको नहलाने के बाद फिर देखते हैं कि आज का क्या है काम। एक्स्ट्रा बैटरी रख लेनी चाहिए थी, हटा दें इसको अंदर। हेलो तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं छत पे, क्योंकि छत पे ही वहाँ पूजा हो रही है। यहाँ पे कई कपल्स थे तो वो लोग अपना जो भी अर्घ देना था चंद्रमा को, पूजा करनी थी, सब लोग जाके कर लिए हैं। और यहाँ का स्टाफ हम लोग को भी बता दिया था कि जाइए कर लीजिए छत पे, लेकिन फिर अर्श जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी नीचे, तो फिर सोचे कि चलो थोड़ा फ्री होके चलते हैं। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9 PM। और कोई है मनाने वाला? तो गए आपके कहाँ चांद निकला है? श्रीमान के पीछे देखिए हॉस्पिटल। एक मिनट, इनको पकड़ाना तो
और कोई फास्टिंग हो या फिर फेस्टिवल्स हो, अगर घर पे करते हैं तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है, लेकिन बाहर होने पे तो उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर मन में श्रद्धा है तो इंसान कहीं भी रहता है तो सारा काम कर ही लेता है। तो बस वही मैं सोची, क्यों नहीं बाहर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन कुछ मेरी तरफ से तो कुछ चूक ना हो तो मैं अपनी तरह से पूरी तरह से करना चाहिए हूँ। साल में तो एक ही बार होता है ऐसे, जो भी तीज या त्यौहार होते हैं, करवा चौथ, तो मन में बहुत रहता है ना कि करना है। तो आप कहीं जाओ तो अगर मन में है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ऐसी सब जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर फास्टिंग होते हैं, उसको करने के बाद मन में बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और सारी सुहागनें तो एक्साइटेड रहती ही हैं कि चलो अब तीज आने वाली है या फिर करवा चौथा आने वाला होता है। तो बस अभी मैं यहाँ, चांद निकल चुका है तो मैं अभी अर्घ दूंगी, और पहले मैं चालनी में जो है पति का फेस देखना होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। तो बस मैं अभी पूजा करूँगी और चंद्रमा को अर्घ देना है। और बीच में अर्श जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, कहती है ये तो बच्चा है, चलो इसको कुछ पता नहीं है, अभी तो छोटी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक तो सब कुछ सोचने समझने लगेगी। तो बस वही मैं अभी चंद्रमा को अर्घ दूंगी। इधर देखो बाबू, इधर देखो, साथ में हो जाओ। और अब व्रत खुलाने की बारी आ गई है, तो मेरे हस्बैंड मुझे पहले नारियल खिला के उसके बाद मुझे पानी पिलाएंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, मैं करवा चौथ ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करूँगी हूँ करवा चौथ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।